हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स ब्यूटी वर्ल्ड कंचन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ और मैं आ गई हूँ अपने न्यू वीडियो लेके। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। हाँ, मेरे कुछ वर्क इशू थे तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट मेरा आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आप लोग के साथ कॉफी फेशियल शेयर करने जा रही हूँ। कॉफी हमारी डेड स्किन सेल को निकालती है, जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं सबको अच्छे से रिमूव करती है। हमारी धूप में स्किन अगर टैन हो गई हो, डार्क हो गए हो, स्पॉट्स हो गए हो, सभी प्रॉब्लम को वो दूर करती है। हमारी स्किन को ब्राइट करती है, टाइट करती है, ग्लोइंग रखती है। और कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है। इससे हमारी स्किन पे एक अलग सा ग्लो आता है, जिसे आप कह सकते हो कि हीरे जैसी चमक। हर इंसान के साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो परमानेंट पार्लर जा सके और फेशियल करवा सके। मेरे साथ तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं घर में ही होममेड रेमेडी से फेशियल करती रहती हूँ और अपनी स्किन का ध्यान तक रखती हूँ और अपनी स्किन को इसी से क्लीन करती हूँ। तो मैं सोची कि क्यों ना आप लोग के साथ भी होममेड रेमेडी शेयर किया जाए। तो मैं आज आप लोग के साथ कॉफी फेशियल शेयर करने जा रही हूँ और मेरा ये आज का फेशियल 2 स्टेप में होने वाला है। फर्स्ट स्टेप मेरा स्क्रबिंग और मसाज है और सेकंड स्टेप मेरा फेस पैक है। तो चलती हूँ अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने 2 चम्मच कॉफी ली है, 2 चम्मच पिसी हुई दरदरी चीनी ली है और ये अच्छा स्क्रबिंग का काम करती है और हमारे फेस से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स सभी को रिमूव करती है और एक ये एक अच्छा स्क्रबिंग है। यहाँ मैंने हनी लिया है और हनी हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। ठंड में मॉइस्चराइजर की बहुत ही आवश्यकता होती है और ये हनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करती है और ठंड में हमारी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, खिंची खिंची हो जाती है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है हनी। हाफ लेमन, लेमन एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। लेमन में विटामिन सी पाए जाते हैं। किसी किसी को लेमन सूट नहीं करता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। ये वही मिल्क पाउडर है जो हम चाय में यूज करते हैं। ये हमारी स्किन को ब्राइट करती है, ग्लोइंग करती है और हमारी स्किन के कलर को फेयर करता है। यहाँ मैंने सैंडल एलोवेरा जेल लिया है। आप घर का फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हो और मार्केट का ग्रीन एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। मेरे पास ये सैंडल एलोवेरा जेल था तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 चम्मच कॉफी ली है और इसमें 1 चम्मच शुगर ऐड करना है मुझको, क्योंकि जितना भी आप कॉफी लोगे उससे कम शुगर ऐड करना है। यहाँ मैं 1 चम्मच मिल्क पाउडर ले रही हूँ। यहाँ मैं लेमन ले रही हूँ। अगर इससे आपको एलर्जी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ मैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले रही हूँ। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं हनी ऐड कर ले रही हूँ 1 चम्मच। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए मेरा स्क्रबिंग पैक तैयार हो गया है। अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। अब मेरा ये पैक रेडी हो गया है तो मैं अपने बालों को अच्छे से क्लच कर ले रही हूँ। और मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और मेरे फेस में बिल्कुल भी मेकअप नहीं है। और ये मैं अपना पैक अपने फेस में अप्लाई कर रही हूँ। आपको ये स्क्रब और मसाज पैक बहुत ही हल्के हाथों से करना है। अगर आप हार्डली करोगे तो आपके फेस में रेडनेस आ सकती है, इसीलिए आप जितना अच्छे से करोगे आपको रिजल्ट उतना अच्छा
मिलेगा और आपकी स्किन एक अलग ही ग्लो करेगी। लोग कहेंगे कि आपसे, भाई आप क्या कर रहे हो अपने फेस पे, उन्हें क्या पता कि आप 2 रुपये और 10 रुपये कॉफ़ी से फेशियल कर रहे हो। आपको यहाँ पे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। मैंने यहाँ पे अपना मसाज कर लिया है और मेरा पैक हल्का हल्का ड्राई हो गया है, तो मैं अब इसी के ऊपर अपना नेक्स्ट स्टेप करूँगी। 10 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसको वॉश भी कर सकते हो और इसी के ऊपर फेस पैक अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ मैं इसी के ऊपर फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ और जो मैंने स्क्रबिंग पैक और मसाज पैक बनाया था उसी में मैं मुल्तानी मिट्टी ऐड करके अपना फेस पैक को तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैं 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और मेरा फेस पैक रेडी हो गया है, तो मैं इस फेस पैक को अपने फेस में अप्लाई कर ले रही हूँ। मैंने जो फेस पैक रेडी किया था उसको अपने फेस में अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। फेस पैक की एक अच्छी लेयर लगाने के बाद इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए मेरा पैक यहाँ पे अच्छे से सूख चुका है, तो मैं इसको एक कॉटन हैंकी की हेल्प से इसको क्लीन कर ले रही हूँ। इसको आप पानी से वॉश भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हैंकी की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। अब मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप इसका असर देख सकते हो कितना ग्लो आया है। इस फेशियल का असर तुरंत ही दिखाई पड़ता है। पार्लर में आप फेशियल करवाते हो तो उस फेशियल का असर 12 घंटे 24 घंटे एक दिन बाद पता चलता है, लेकिन इस फेशियल का असर तुरंत ही दिखाई देता है, आप देख सकते हो। अब मैं टोनर की हेल्प से अपने फेस को टोन कर ले रही हूँ। देखिए क्या ग्लो आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे सब वीडियो के सारे नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल जाएं। बाय।